हेलो बच्चों चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है बच्चों आज हम ब्रिज कोर्स कक्षा नाइन्थ विषय इंग्लिश 2022 23 के एक्टिविटी टू एम को हल करेंगे इसके पूर्व आपके द्वारा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें बच्चों एक्टिविटी टू एम में हम देखेंगे आंसर द क्वेश्चन बाय कंप्लीटिंग द ट्यूशन टेबल हमको इनको क्या करना है इसमें इन प्रश्नों के उत्तर दे करके टेबल को कम्प्लीट करना है कौन से प्रश्न के तो ऑक्यूपेशन जो व्यवसाय से संबंधित ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय तो हम टेबल देखेंगे माय फादर इज ए फार्मर माय फादर इज ए टीचर फार्मर मतलब किसान टीचर मतलब शिक्षक होम मेकर मतलब घर बनाना या बनाने वाला का मतलब होता है मोची टेलर का मतलब होता है कपड़ा सीने वाला और लेबर का मतलब होता है मजदूर तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न तो उसका आंसर यहाँ पर टेबल की मदद से यहाँ हम भाट डोज यू फादर्स डू आपके पिताजी क्या करते हैं भाट डोज यूअर फादर डू आपके पिताजी क्या करते हैं तो आंसर में लिख देंगे माय फादर इज से फार्मर क्योंकि हमारे टेबल में दिया है माय फादर्स फार्मर यहाँ हम उत्तर लिख देंगे माय फादर इज़ ए फार्मर मेरे पिताजी क्या करते हैं किसानी करते हैं किसान हैं इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है भा डोज़ यूवर मदर्स डू आपकी माता जी क्या करती है तो इसमें हम लिख देंगे यहाँ पर माय मदर्स इज़ ए हाउसवाइफ मेरी माँ क्या करती है गृहिणी है घर का कार्य करती है इसके बाद तीसरा वाला जो क्वेश्चन है भा डोज यूअर अंकल डू आपके चाचा जी क्या करते हैं यहाँ लिख देंगे हम माय अंकल इज ए टीचर मेरे चाचा जी क्या करते हैं टीचर हैं टीचिंग करते हैं इस प्रकार से हम आंसरों के उत्तर जो देंगे फिर इसके बाद सेकंड नंबर का इसमें जो है हाउ मनी ब्रदर्स और सिस्टर डू यू हैव आपके कितने भाई बहन हैं राइट ट दियर नेम्स उनके नाम लिखिए आपके जितने भी भाई बहन हैं उनके नाम को यहाँ पर लिखना है तो हमने लिखा है ब्रदर इज मोहन ब्रदर इज सोहन सिस्टर इस रीना सिस्टर इज सुनीता इस प्रकार से दो भाई और दो बहन हैं तो ऐसे हमने लिख दिए आप भी ऐसे ही लिख लेंगे आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा इसी तरह और आने वाली एक्टिविटी को तैयार करने के लिए वीडियो में बन रहे हैं धन्यवाद